दिखाई नहीं दे रहा है। नेता सब जानते हैं कि हम हिंदुओं को गाली देंगे तो एक पक्ष देगा। यही तो कमजोर पॉइंट है। जिस दिन वह अपने आप को समझ ले जाए, आप तो पाकिस्तान के मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, जी जी जी, जाके मना करो ना। वहाँ के सबसे बड़े मौलाना खुद कहे कि हम राजपूतों की औलादे हैं, हम हिंदू। यही बात इनसे कह दीजिए, यहाँ अगर मैं अपने बाइट से कह दूँ कि तुम भी हिंदू थे तो अभी पूरे देश में बवाल हो जाएगा। यह अपने आप को जिस दिन यह समझने लगेंगे कि हाँ हमारे पूर्वज हिंदू थे, कहीं ना कहीं MIM के वो जो नेता हैं ओवैसी जी उनके दादा परदादा का नाम भी निकालेंगे रजिस्टर में, इसीलिए तो NRC का विरोध कर रहे हैं। NRC अगर होगा तो इसमें 70% जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जब उनकी जांच होगी तो ओवैसी के दादा का नाम रामलाल हो निकलेगा। पेपर में जांच होगा तो ओवैसी के दादा का नाम रामलाल निकलेगा जी, तो वह भी हिंदुओं के ही वंशज हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं 90% हिंदू ही थे, वो हमारे भाई हैं। इसीलिए हम थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं कि चलो यार गलती से हो गए हैं। धीरे धीरे इनके दिमाग में हम लोग समझाएंगे और यह पुनः कभी न कभी घर वापसी करेंगे। पूरा जो विपक्ष है वह अब एक पार्टी एक सोच, नाम पार्टियों का अलग अलग है लेकिन सबकी सोच हो गई है वामपंथी। वही धर्म को गाली दो, जितना धर्म को एक ये लिबरलों का वोट के लिए यह इतने नीचे गिर गए हैं, मोदी विरोध में इतने पागल हो गए हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह कौन सा देश है। यह हिंदुस्तान है भाई जी, जी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह है भारत की पहचान। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया TV पर। बंगाल में पहले जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी को दिक्कत होती थी, अब उनके एक सांसद का कहना है कि सीता माता ने राम भगवान से कहा कि अच्छा हुआ मुझे रावण उठा के ले गया, भगवाधारी उठा के नहीं ले गए, नहीं तो मेरा भी हाल वही होता जो हाथरस की विक्टिम का हुआ था, जो हाथरस की बेटी का हुआ था वही हाल मेरा भी होता। इस आपत्तिजनक टिप्पणी से आखिर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, और लगातार क्यों आखिरकार हिंदू देवी देवताओं को ऐसी चीज़ों में घसीटा जाता है, ऐसी चीज़ों में लेकर आया जाता है, मजाक हो या कुछ भी हो। इन्हीं से मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी, बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो सर किस तरीके से देखते हैं, पहले तो जय श्री राम बोलने से ही ममता बनर्जी को दिक्कत होती थी, अब उनके सांसद का कहना है कि सीता माता राम भगवान से कहती हैं कि रावण उठाकर ले गया अच्छा हुआ, भगवाधारी उठाकर ले जाते तो मेरा हाल भी हाथरस की उसकी बेटी जैसा होता। हाँ रावण की सोच वाले रावण जैसा ही समझेंगे ना, देख नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता मार दिए गए जी, आए दिन मारे जा रहे हैं। तो रावण रावण के जो वंशज होंगे, जो रावण के खानदान के होंगे, वो रावण की सोच रखते हैं जी जी। भाई यह देश राम कृष्ण और माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की ही दुर्गा की पूजा करता है पूरा बंगाल जी, और माँ सीता कौन थी, शक्ति की ही उपासना की जाती है ना, शक्ति शक्ति शिव और शक्ति मिलके ही सनातन बना है जी 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 जी। तो तुम कौन सनातनी हो भाई, वह शक्ति की वही माँ दुर्गा की अंश थी माँ सीता, तो तुम तो पूरे बंगाल के हिंदुओं का अपमान है। जो छी 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 यही देखिएगा ना रामायण में देखिएगा, राक्षस छी मानुष छी मानुष छी मानुष छी मानुष, वो क्या करते थे, ताड़का किस तरह से बोलती थी जी। ताड़का को देखिए, ताड़का की आवाज देख लीजिए और ममता बनर्जी की आवाज देख लीजिए, आपको कहीं अंतर नहीं मिलेगा। ताड़का जिस तरह से चलती है उसी तरह से ममता बनर्जी चलती हैं, सेम। इसीलिए राक्षसी सोच, राक्षसी विचारधारा, राक्षसी सोच रखने वाली जब सरकार की मुखिया ही है तो उसके सांसदों से क्या उम्मीद करते हैं जी, जी, जी। मुस्लिम अपीजमेंट में पता नहीं या कितना गिरेंगे कि अपने धर्म को, अरे भाई सीधे सीधे बुर्का पहन के और इस्लाम कबूल कर लो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम हमारे जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको अपमानित तो मत करो। इस बार ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है, इस बार पागलपन के दौरे में यह समझ रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मॉब चल रहा है, जिस तरह से लोग निकल के पड़े हुए हैं, उस तरह से इनकी पत्ता साफ होना तय है जी, 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 जी।
सर उनका ये भी कहना है कि जो लोग जय श्री राम चिल्लाते हैं वही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करना, क्या ममता बनर्जी इस चीज़ पर एक्शन लेंगी? वो नहीं लेगी भाई, उसको सिर्फ दिखाई दे रहा है मुस्लिम अपीजमेंट। पता नहीं कितना वोट है, 32-30% वोट से ही तुम राज, जो समझ लीजिए वहाँ इसको बनाने वाले लगभग 70% हिंदुओं ने मतदान किया था। वहाँ चूंकि वामपंथी भी यही कुकर्म किए थे, जो कुकर्म वह वामपंथी किए थे ये लंपट, वहाँ हिंदू एक तरह से विचारधारा नस्तनाबूत हो गई है। ये वामपंथी सोच इस तरह का वहाँ माहौल बना दिए हैं कि वहाँ हिंदू कुंठित होके अपने आप को हिंदू समझ ही नहीं रहा है, उसका जमीर ही मार दिया गया है। 70 साल में घुटते घुटते 25 साल का राज रहा है वामपंथियों का, वामपंथियों की सोच, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो पूरे बंगाल को एक तरह से शून्य हिंदू समाज को भी ऐसा दिमाग में डाल दिया गया है कि शून्यता में पड़ा हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ संगठन खड़ा की है, उनको बताई है कि तुम कहो कि गर्व से कहें हम, कहो हम हिंदू हैं, यहाँ चूंकि हनुमान भक्त लोग होते हैं ना, तो जब लंका पे चढ़ाई किए थे हनुमान जी जा रहे थे, तो उस समय जामवंत जी को बताना पड़ा हनुमान जी को कि कितनी ताकत है आपके अंदर। जी जी जी। तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि नहीं, मैं समुद्र पार कर सकता हूँ, और जब जागे तो लंका पार किए। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाके जो बंगाल के हनुमान हैं उनको धीरे धीरे जगा रही है कि तुमको लंका, तुम उठो हनुमानों, उठो कार्यकर्ताओं, तुम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वह उठ गए हैं, अब यह लंका रूपी जो यह ममता की सरकार है इसको उकाड़ के फेंकेंगे और इसको जलाएंगे और फिर से वहाँ राम राज्य की स्थापना करेंगे। सबसे बड़ी बात है यार, ये जितने पूरे देश के लिबरल गिरोह हैं, बिहार में चुनाव चल रहा था जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय तो बहुत पूछा जा रहा था कि बेरोजगारी का क्या हाल है, ये विकास नहीं हुआ। चूंकि बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ है, वो कहाँ है भैया? जितने यूट्यूबर से लेके सारे लोग थे उस समय, बिहार चुनाव देख रहे थे ना आप लोग, कंपेन कर रहे थे उस समय, सारे मामले बिहार में उठाए जा रहे थे कि बेरोजगारी ये है, ये समस्या इतनी है, इतनी सारी समस्याएं उठाई जा रही हैं, इस समय पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं उठा रहे हो? पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कोई, पूरे देश का जितना लिबरल मीडिया है जिस तरह से बिहार में पीछे पड़ा था, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी नहीं है, वहाँ समस्या नहीं है, वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ आप जाति के नाम पे उठा, वहाँ समझ रहे हैं, वहाँ चूंकि डेवलपमेंट का काम कोई ममता बनर्जी करी नहीं है, सिर्फ बिहार में मुद्दा था, बिहार में सारी समस्याएं थी जी। इसलिए कि वहाँ एक ईमानदार और सक्षम और मेहनतकश, क्या तुलना करेंगे? जिस समय बिहार में चुनाव चल रहा था तुलना कर लो, एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको भाई भतीजा किसी परिवार का किसी को कुछ बनाए, सारा कमान एक तरह से वह ममता, जो ममता की पार्टी है वो उनके परिवार सारा हैंडल कर रहा है, उनका भतीजा जी। और वह पड़ा हुआ है स्कैंडल में, फंसा हुआ है जी। इसलिए किसी तरह से वो समझ रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी तो ममता बनर्जी सहित पूरा उनका परिवार का जेल जाना तय है। इसलिए ही अब बौखलाहट में तरह तरह की बातें, सिर्फ वह 30% वोट पाने के लिए यह किया जा रहा है। कभी राम को कहा जाएगा, कभी कृष्ण को कहा जाएगा, कभी माँ सीता को कहा जाएगा, कभी माँ दुर्गा को कहा जाएगा, कभी किसी को कहा जाएगा। यह पागलपन का दौरा, वैसे भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है ममता बनर्जी, होश खो दी हैं। हमारे वहाँ कहावत है कि हिंदू का परनिया बूढ़ होता है तो पागल हो जाता है, वो पागल हो गई है। अब इसी चुनाव के बाद वो घरों से निकलेगी और जिस तरह से ये पागल खाने, जिस तरह से पागल सड़कों पे घूमते हैं ना, उसी तरह से घूमती मिलेंगी। दिक्कत यहाँ है ना, यह कुछ किए तो है नहीं जी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, 27 देशों में हमारी संस्कृति के योग को पहुँचा दिए, आज दुनिया के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं जी जी जी। कहाँ यह सोचते थे कि भारत सफेदों का देश, मूर्ति पूजक, पिछड़ा, आदिवासी जी, 900 साल गुलाम रहा, ये कौन है ना सड़क पे घूमने वाले कबीलाई पिछड़े लोग,
इससे बाहर जो निकाल दिए हैं मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई है भारत को, इससे ये पागल हो गए हैं। और जिस तरह का माहौल देश में है, उस तरह से यह जो अपना आंतरिक सर्वे करते हैं विपक्षी, तो 50 साल तक लगातार इन्हीं पार्टियों का सत्ता मिलेगा, जो राष्ट्रवादी होंगी, जो हिंदूवादी होंगी, जो इस देश को आगे ले जाने के लिए, हिंदू संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, हिंदू विचारधारा को ले जाने के लिए। भैया ये अंग्रेजों की बात करते हैं ना, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। गया था ना, उसकी बीबी है वहाँ, राहुल गांधी क्या करने जाता है हर महीने में, क्या क्या काम है इसका। जब भी फोटो देखिए तो इसके बगल में एक अंग्रेजन मिलती है, वही हर बार वहां से जब फोटो आता है तो अंग्रेजन मिलती है। ये वहां शादी वादी करके बच्चा उच्चा रख लिया है, ये उपनिवेश यहाँ धंधा करने आते हैं ना, इनका असली घर वहां है, यहाँ तो ये धंधा करने आते हैं, ये बिजनेस खोल रखे हैं यहाँ। इसीलिए तो देखते हैं मेरे शरीर में जितने रोए नहीं है, उतने उससे ज्यादा इनके घोटाले मिलते हैं। ये बिजनेस खोल रखे हैं, इनके घरों विदेश में हैं, वहाँ ये रहते हैं, सिर्फ यहाँ बिजनेस करने आते हैं, किसी तरह से सत्ता हो जाए। देख नहीं रहे रॉबर्ट वाड्रा यहाँ DLF मॉल 1,00,000 एकड़ खरीदिए और 5 करोड़ में बेच दीजिए, यही तो बिजनेस है। तो ये चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, यह सब इनका घर विदेशों में है, सिर्फ यहाँ बिजनेस करने यहाँ आते हैं। जमीन लूटो किसानों से, गरीबों से ले लो, किसी तरह से सत्ता मिल जाए। पहले हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लूटे, अब राजस्थान में पकड़ा गया है, अभी अभी वहाँ रॉबर्ट वाड्रा की जो जांच चल रही है, जो अभी अभी ईडी ने बुलाया था, 25 करोड़ का मामला, 2500 करोड़ रुपए का मामला है, वहाँ जमीन खरीद लिया। तो ये तय करती हैं कि कहाँ रेट बढ़ रहा है, वहाँ किसी तरह से सत्ता में पाओ और इस देश को लूटो। लेकिन एक मुसलमान वो कुरान में जो 24 आयतें हैं उसमें विश्वास करता है, हमारे संविधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है। ये अंतर है, जिस दिन इस अंतर को मुसलमान इस देश का समझ जाएगा कि सबसे बड़ा चीज संविधान है, ठीक ना, उस दिन इस देश में असली लोकतंत्र आएगा। जी धन्यवाद सर।